ना सर, इसको गलती नहीं बोल सकते हम लोग। ये तो कार्रवाई अगर हमको मिल जाता ना तो शायद आप अभी वही कार्रवाई कर रहे होते हम लोग के ऊपर। हम अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इस समुदाय ने इसका विरोध किया है, माना है हमारे बाबा जी का, उस समुदाय का विरुद्ध हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और उस समुदाय का जो है उसको सामने आ जाए तो उसको भी दिखा दें। अगर तो ये सतनामी समाज का गुरु घासीदास बाबा जी का जो पोस्टर लगाए थे उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया है। ये ओवरब्रिज के ऊपर लगा हुआ था जिसको प्रॉपर आपको फोटो भी दिखा देंगे और ये पूरा फाड़ दिए हैं इसको और कोतवाली थाना में इसको लेकर समाज के लोग FIR दर्ज करवाने आए हैं और जो भी असामाजिक तत्व ये किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं समाज वाले लोग। पूरा आप देख सकते हैं यहाँ एक और रिक्वेस्ट है हमारे समाज से, दो या तीन लोगों को रखिए अपने पास CCTV कैमरा, जब चेक करेंगे तीन लोग। तभी आप मन कोतवाली थाना आज क्या करे आए हैं? हम लोग एक FIR देने के लिए आए हुए हैं यहाँ। हमारा जो गुरु घासीदास बाबा जी का 18 दिसंबर आ रहा है तो 17 दिसंबर को जो शोभा रैली होना था उसके लिए ओवर ब्रिज में हमने पोस्टर बाबा जी के साथ में लगाया हुआ था। अच्छा, तो सुबह हमने देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व ने उसको बाबा जी के फोटो को फाड़ कर फेंक दिया है। अच्छा, तो उस संबंध में हमने जो प्रशासन है उसको अवगत कराया है, उसी तारतम्य में आए हैं। और जैसे कि हमारे बाबा जी ने, गुरु घासीदास बाबा जी ने बोला है कि मनखे मनखेला एक बरोबर, एक समान है ना, तो ये केवल समाज के लिए, हमारे समाज के नहीं है, ये सभी समाज के लिए है। वो आराध्य है, गुरु बाबा है वो, है ना, इसीलिए उनको बाबा कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। तो हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार की द्वेषपूर्ण धर्म से खिलवाड़ ना करें, अन्यथा यहाँ के लोगों को बहुत आगे चल के रोष हमारे समाज के तरफ से और सभी साथियों के तरफ से आक्रोश देखने को मिलेगा। तो भैया आप अभी कोतवाली थाना आए थे TI को FIR दर्ज करने, तो आप लोग का FIR दर्ज हुआ कि नहीं? FIR हमने दिया है, उसमें अभी जांच करेंगे, जांच करेंगे और TI साहब से भी चर्चा हुआ है समाज के हमारे सभी पदाधिकारी और युवा साथी लोगों के साथ के कि हम CCTV कैमरा चेक करेंगे और उसमें जो भी अपराधी होगा उसके ऊपर तत्काल FIR करेगा। अगर प्रशासन ऐसा FIR नहीं करता है या टाल मटोल करने की कोशिश करता है तो हमारे युवा साथी के साथ इस बार हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इस पर उचित कार्यवाही के लिए पूरा प्रशासन को समक्ष रखेंगे। तो TI ने आपको क्या आश्वासन दिया? TI साहब ने यही बोला है कि हम यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे और वो अपने स्तर पे कार्यवाही शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल से दो लोगों को अपने साथ में भी रखे हैं। अच्छा। ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब इसमें त्रुटि ना रह जाए और वो समाज के सामने हो। मतलब CCTV चेक करने के लिए दो लोगों, आप लोग समाज के लोग को वहाँ बैठाए हैं? बैठाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। इस समुदाय ने इसका विरोध किया है, माना है हमारे बाबा जी का, उस समुदाय का विरुद्ध हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और उस समुदाय का जो है उसको सामने आ जाए तो उसको भी दिखा दें। अगर सामाजिक रूप से हम भी सक्षम है, हम बदला लेना जानते हैं, अगर उन्होंने आज हमारा भी किया है, 24 घंटे के अंदर किया जाए, हमारे कोई लड़के नहीं जाएंगे, सब बैठेंगे यहाँ पे 24 घंटे के अंदर। आप शाम तक कार्यवाही कीजिए, इसमें जैसा भी करिए, नहीं फिर से करेंगे। अगर हमारे धर्म के ऊपर आँच आएगी तो उसके भी धर्म के ऊपर आँच हम ला सकते हैं। जिसने भी किया है धर्म विरोधी किया है, ये हमारे बाबा जी का किसने फाड़ा है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो कोई भी रहे हो। FIR जैसे अपन ये कर रहे हैं, है ना, हम जो बंदा जो किया हुआ है, जो बंदा जो भी किया हुआ है उसको तत्काल CCTV फुटेज और ये सब चीजें चेक करके उसको हमको भी अवगत करवाइए कि हमको मिल गया है सर। हमारे समिति से कोई ना कोई आदमी
जो प्रतिनिधि मंडल है दो, दो लोग को आप सीसीटीवी कैमरे में रखिए। मैं तो चाहता ही हूँ यदि अपने पास यदि कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई जानकारी है तो ये चीजें शेयर करें और हमारी टीम के साथ भी शेयर करें। हाँ दो हम लोग वही चाहते हैं सर। हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हवा हवा में काम हो रहा है करके आप सिर्फ आश्वासन दे करके हम आश्वासन टालने वाले काम करेंगे। कार्रवाई करिए सर, हम लोग यही रहना है ना। चलो उसके लिए FIR ही करवाओ। और सर एक और रिक्वेस्ट है, हमारे समाज से दो या तीन लोगों को रखिए अपने पास सीसीटीवी कैमरा, जब चेक करेंगे तीन लोग रहना चाहिए हमारे लोग रख लेंगे तुम लोग दो आदमी रहेगा हमारा है ना दो आदमी रहना तो बच्चे लोग पहचान से पहचान लेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन जैसे चलिए ना होगा लेकर जरूर अवगत कराएंगे आपको। और सर अगर हमको अगर जानकारी मिलती तो शायद यहाँ आने से पहले हम बाद में आते हैं। वो तो मतलब ये अच्छी है, देखो क्या वो तो देखिए सर, ये चीज गलती है ना सर, इसको गलती नहीं बोल सकते हम लोग। ये तो अगर हमको मिल जाता ना तो शायद आप अभी वही कार्रवाई कर रहे होते हम लोग के ऊपर। एक मिनट सुनिए, देखिए अब आप नहीं है, अब देखिए चीजें क्या है, वो सबके लिए वैधानिक कार्रवाई है। और अब मेरे सामने ही थाने के इसमें ही आप ये जो चीजें है ना ये सब आप नहीं करेंगे, उसके लिए वैधानिक कार्रवाई करने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन आप फिर बोलेंगे मेरे सामने ही कि मैं उस दूंगा तो एक मिनट मेरे को समय दीजिए ना भाई। आप देखिए तो मैं कह रहा हूँ जो है जी सर करिए चलिए आप चलिए चलिए बाकी लोग हमारे किनारे बैठ जाइए ठीक है ठीक चलिए चलिए साइड में बैठ जाइए इधर बैठिए। आप नहीं कर सकते, ये है हमारा ओपिनियन कि भाई अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो करेंगे इस तरह से बिल्कुल हम। तो ये हैं रूपक शर्मा सर, कोतवाली थाना कोरबा के TI। सर आपसे जानना चाहते हैं ये पूरा घटनाक्रम जो सतनामी समाज के बाबा गुरु घासीदास जी के जो पोस्टर को फाड़ दिया गया है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो इसके लेकर जो भी समाज के लोग आज FIR दर्ज कराने आए हैं, तो इसके बाद क्या कार्रवाई करने की संभावना है सर? FIR दर्ज किया जाएगा। FIR दर्ज कराने के बाद संभावित जगहों सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया जाएगा। अच्छा। और साथ ही साथ अपने सूचना संकलन को भी तेज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सूचना संकलन जैसे सीसीटीवी के पूरे फुटेज को चेक करके। अच्छा तो सर इस मामले में जो अपराधी होंगे उनको क्या सजा मिल सकती है सर के उपलक्ष्य में? ये तो IPC के माध्यम से भी सजा तय होती है। अच्छा अच्छा जी सर, यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज आप मतलब बताना चाहूँ कि जो सतनामी समाज के बाबा गुरु घासीदास जी हवे 18 दिसंबर अभी गुरु पर्व चलत हवे, जेकर उपलक्ष्य में कोरबा ओवर ब्रिज के ऊपर में बाबा गुरु घासीदास जी के पोस्टर लगाए गए रही से सतनामी समाज द्वारा, जे पोस्टर ल कोई असामाजिक तत्व मन पोस्टर ल फाड़ दिन और धार्मिक भावना ला आहत पहुंचाई, जेकर लिए सतनामी समाज के जितना भी लोग हैं ओ मन कोतवाली थाना में TI सर के सामने FIR दर्ज कराए आ रहे हैं। और TI सर आश्वासन दे के जल्दी से जल्द एकर ऊपर कार्रवाई करूं, तो आप मन ला और एकर से ऊपर कोई भी जानकारी मैं आप मन ला जरूर बताऊं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी।